बेसन और सूजी का चीला। एक कप बेसन लिया है, एक कप सूजी, एक कप दही, स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे। घोल को अच्छे से फेंट लिया है, इसमें पानी और ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से फिट गया है। एक बड़ा टमाटर लिया है, उसको बारीक काट लिया है, एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। सूजी और बेसन अच्छे से फूल गया है, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, आराम आराम से मिक्स करेंगे। इस तरीके से कंसिस्टेंसी को रखा है। तवा गरम हो गया है, हल्का हल्का ग्रीस कर लेंगे। घोल को अच्छे से मिक्स करेंगे, तवा के ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से चीला को फैला देंगे, हल्का सा तेल डाल देंगे। इस तरीके से चीला को पलट देंगे, दूसरी साइड में भी चीले को सेकने देंगे। दोनों तरफ ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब इसको तवा से बाहर निकाल लेंगे।